गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम आज की बेस की क्लास में देखते हैं लेसन नंबर 10 की एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि ए में कौन से क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो सब लोग अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो और देखो पेज नंबर 44। ओके, तो चलो अभी सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में एंड साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे भी ध्यान दो। देखो अपने पास क्या है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए में टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो कि सही है, राइट है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस क्या है, देखो पहले हम पढ़ते हैं, एंड ब्लैक इज अ बिग एनिमल। तो देखो क्या है कि अ या फिर एंड, लेकिन वो बाकी बात है। देखो पहले क्या है, एंड ब्लैक इज अ बिग एनिमल। तो ये जो ऑप्शन है अपने पास, पहला ऑप्शन कौन सा है, रैट, डॉग एंड एलिफेंट, इन तीन एनिमल्स में से ऐसा कौन सा एनिमल है जो बिग एनिमल है, कौन सा एनिमल है, एलिफेंट, क्योंकि रैट भी बिल्कुल छोटा सा होता है, डॉग उससे थोड़ा बड़ा होता है और एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, एलिफेंट, क्या लिखेंगे हम, एलिफेंट। एंड अब हम जानते हैं कि ये यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, एंड क्यों लगा। तो देखो इससे पहले हम एंड लगाते हैं ना कि ए। ओके, समझ में आया आपको। अभी हम देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाली सेंटेंस क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस वूल, वूल यानी कि क्या होता है, लोकर, जिससे हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। ओके, तो हम मतलब हमें कौन से एनिमल से वूल मिलता है, कौन से एनिमल से लोकर मिलता है हमें, देखो पढ़ो ऑप्शंस में क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, टाइगर, सेकंड इज शीप एंड लास्ट इज काउ। ओके, तो देखो टाइगर से हमें वूल मिलता है क्या, नो, काउ से हमें वूल मिलता है क्या, नो, तो हमें वूल किससे मिलता है, शीप से मिलता है, इसीलिए हम शीप को टिक करेंगे, शीप यानी कि क्या होता है, भेड़ या फिर मेंढी। ओके, उसके बाद देखो थ्री, तो इसके बाद कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, पढ़ो अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल यानी कि क्या होता है, जंगली जानवर, क्या होता है, जंगली जानवर। तो देखो अभी हम ऑप्शन पढ़े, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, कैमल, डंकी एंड ज़ेब्रा। तो इन थ्री ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ज़ेब्रा। अभी ये बताओ ज़ेब्रा ये ऑप्शन क्यों सही है, देखो कैमल जो होता है उल्टा, वो भी एक क्या है, डोमेस्टिक एनिमल से जिसे लोग पालते अपने घर में। ओके, उसके बाद क्या है, डंकी, तो डंकी भी एक डोमेस्टिक एनिमल ही है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ज़ेब्रा। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी आगे, तो देखो अब ग्रास होपर इज एन, ग्रास होपर जो है वो है, क्या है ग्रास होपर, देखो ऑप्शन, बर्ड है क्या वो, पंछी है, नो, उसके बाद वाटर एनिमल है, वो पानी में रहता है क्या, नो, वो इंसेक्ट है क्या, हाँ वो क्या है, इंसेक्ट, इसीलिए हमने सी को टिक किया एंड इस ब्लैंक में लिखा हमने इंसेक्ट। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो चलो अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हुआ अपने पास, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ओके, एंड द सेकंड सेंटेंस इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस वूल, शीप इज द गिव अस वूल। ओके, उसके बाद देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, तो कौन सा वाइल्ड एनिमल, ज़ेब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल, एंड लास्ट वाला क्या है, अ ग्रासहॉपर इज एन इंसेक्ट। ओके, ये फोर सेंटेंस आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए, तो ये जो सेंटेंस हमने कंप्लीट किए वो आपको अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, उसके बाद अपने नोटबुक में लिखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेव कर दो। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे की एक्सरसाइज हम अपने अगले क्लास में देखेंगे, तो